हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल रूमा डॉट अभी। कैसे हो आप सब? सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्राइड इंस्पायर्ड मेकअप लुक, और ये मैंने पहली बार ट्राई किया है। जी हाँ, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। सो या, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले करेंगे हम अपने स्किन को प्रेप। तो प्रेप करने के लिए मैंने पहले ही अपने फेस को फेस वॉश कर लिया था बायोटिक हनी जेल फेस क्लींजर से। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं टोनर इस्तेमाल करी हूँ, डर्माडॉक ब्लेमिश क्लियरिंग फेस टोनर, और ये बहुत ही अच्छी टोनर है पिंपल्स, एक्ने प्रोन्स, ऑयली स्किन एंड यस ब्लेमिशेस के लिए। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करूँगी गुड वाइब्स रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, और ये जो सीरम है बहुत ही लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, रिफ्रेशिंग टेक्स्चर है इसकी। 3 ही ड्रॉप लेनी है और अपने फेस को हल्के हाथों से मसाज करनी है। टोनर के बाद हमेशा सीरम लगाना चाहिए गाइज, और ये जो सीरम है इसमें विटामिन ई है जो कि डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स है जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और ये प्रोडक्ट्स नो पैराबिन, नो सल्फेट एंड नो एनिमल टेस्टिंग है जो कि सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करूंगी रोजिप हाइड्रेटिंग फेस जेल जिसमें कि आर्गन ऑयल है, और ये जो प्रोडक्ट है आपके फेस को हाइड्रेट रखेगी, स्किन टेक्स्चर को इम्प्रूव करेगी, स्कार्स को रिड्यूस करेगी एंड स्किन टोन भी ब्राइट करेगी, रेडियंट ग्लो देगी। तो इसमें आप एज ए मॉइस्चराइजर भी इसको यूज कर सकते हैं। लिप्स को मॉइस्चर करने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वादी हर्बल्स की लिप बाम, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, बहुत ही अच्छी है, बहुत पसंद है मुझे। सो आफ्टर प्रेपिंग अब हम करेंगे अपने आईब्रोज को फिल एंड ड्रॉ दोनों ही साथ में, और इसके लिए मैंने वेट एंड माइल्ड की ये जो ब्रो किट है, अल्टीमेट ब्रो किट, इसे लिया है, पाउडरी शेड में आती है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आईब्रो पेंसिल से ज़्यादा मुझे ये पाउडरी शेड वाली आईब्रो किट पसंद है। नेक्स्ट हम करेंगे अपने फेस को प्राइम। तो प्राइम करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है NYBakey ऑरेंज कलर करेक्टर प्राइमर, फेस प्राइमर, और अपने टी जोन जहाँ जहाँ मुझे पोर्स की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे मैंने ये इस्तेमाल कर लिया है। एंड उसके बाद फिर हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पे भी मैं लगा, मतलब कि जितना भी हाथ में रहेगा बचा कुछ प्रोडक्ट वो अपने पूरे फेस में अप्लाई करूँगी। अब बारी आती है कंसीलिंग की। तो कंसीलर के लिए यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का इन द शेड 04 मीडियम बेज इस्तेमाल किया है। ये जो कंसीलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट शेड तो है ही, क्योंकि कंसीलर हमें अपने स्किन टोन से एक या दो शेड ज़्यादा लाइटन लेना चाहिए जिससे कि जो भी फेस में डार्क सर्कल है, स्पॉट है, वो सब हाइड हो जाए, पता ना चले। सो कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। इनसाइड की ये ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट है। अब मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी। सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लैक्मे की सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल किया है। इससे अपने दोनों आईज़ के जो आई लीड है उसको सेट कर लूँगी हल्के हाथों से, और देन फिर हम करेंगे अपने आई मेकअप को। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी SFR कलर हीटेड विद लव ब्रेस्ट पिगमेंट पैलेट, और ये आप देख सकते हो कितना ह्यूज है, कलरफुल है, इसमें आपको हर एक तरह की कलर मिल जाएगी। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ट्रांजिशन कलर, और मैंने एक लाइट ब्राउन ट्रांजिशन कलर ले लिया है, और अपने पूरे आईलिड पे क्रीज लाइन से लेके पूरे आईलिड पे मैं इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैं एक लाइनर की तरह अपने आई शेडोज को इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले कॉर्नर में मैं अप्लाई करूँगी रेड कलर, और इस पैलेट में नाम है हे बेबी, यस आप चेक कर सकते हैं, और एक एंगुलर ब्रश की मदद से मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब अप्लाई करूँगी ऑरेंजिस कलर डार्क नाइट नाम है, तो उसको मैं अप्लाई करूँगी। अब येल्लो के लिए प्रीटी गर्ल, एंड आफ्टर दैट ग्रीन के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ड्रीम लाइट, और ये आफ्टर दैट मैंने एक ग्रीनिश ब्लूइश कलर लिया था आई वांट ऑल, फिर हिना ब्राइट लिया है ब्लू, एंड लास्टली मैंने लिया है न्यूड जो कि पर्पल कलर की है। अब इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, और ये हो गया मेरा आईज डन। ये आप देख सकते हैं वाइट काजल यहाँ पे मैंने लिया है, कैमेलियन की काजल है, और ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से। सो लोअर आईलिड के आधे हिस्से में मैंने लगाया है वाइट काजल, एंड आधे में लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लैक काजल, और ये आप देखिएगा ये मेरा हो गया दोनों आईज पे वाइट काजल अप्लाई करना। अब मैं एक चीज़ भूल चुकी थी यहाँ पे, वही मैं अप्लाई कर रही हूँ, गोल्डन प्रेस ग्लिटर यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, नेम है बॉदर्ड पैलेट में, और इसे थोड़ा सा ऊपर में आईलिड पे अप्लाई करूँगी हल्का हल्का सा, और फिर यहाँ पे मैं कॉलोसल की ब्लैक कलर की काजल अप्लाई करूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया।
आधे में, मतलब इनर कॉर्नर से लेके मिडिल तक में लोअर लिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मेबेलिन न्यूयॉर्क की द कलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा, और ये वन ऑफ द फेवरेट मेरा मस्कारा है, वाटरप्रूफ है इसलिए और भी ज़्यादा पसंद है। तो इसे आईलैश पे लगाऊंगी, लोअर आईलैशेस एंड अपर आईलैशेस दोनों में ही लगा लूँगी, एंड उसके बाद फिर फेक आईलैश लगा लूँगी ऑफ कैमरे में। देन बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैं लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर्ड फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा शेड है W120 वार्म क्रीम, और ये मेरे स्किन के साथ बहुत अच्छा जाता है। एंड उसको अगेन फिर मैं बेस को सेट करूँगी, आप देखिएगा, और बहुत ही हल्का सा मैंने लिया है। अगेन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, ये आप देख सकते हैं, और डैब डैब करके ही ब्लेंड करना है, घिसना नहीं है, रब बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका फाउंडेशन जो है वो, मतलब आपका बेस जो है वो बहुत गंदा दिखने लगता है, पैची पैची दिखने लगेगा। तो ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ, जस्ट आपको डैबिंग मोशन में ही करना है। सो मैं यहाँ पे अपने फेस को पूरे झटपट ब्लेंड कर लूँगी, और ये आप देख सकते हैं ये हो गया मेरा ब्लेंडिंग करना। अब नेक्स्ट बारी आती है अगेन कंसीलर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा लग गया था नीचे नीचे मस्कारा वगैरह लग गया था थोड़ा बहुत, तो उसको मैं थोड़ा सा कंसील कर लूँगी, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी, जहाँ पे हाई पॉइंट्स थे, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया है, और उसको अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना। अब थोड़ा सा अंडर आइज़ पे हल्का सा सेट करूँगी कॉम्पैक्ट की मदद से दोनों आइज़ के नीचे, और ये हो गया। देन अब बारी आती है कॉन्टोरिंग की, ब्रॉन्ज़र की। तो ब्रॉन्ज़र के लिए यहाँ पे मैं कलर एसेंस की सन किस्ड ब्रॉन्ज़र इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले अपने हॉलो ऑफ द चिक्स पे अप्लाई करूँगी, पतला सा मैंने ब्रश लिया है, बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं लिया है, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट अब जॉ लाइन पे अप्लाई करूँगी, वहीं से जहाँ से मैंने हॉल ऑफ द चिक्स को ड्रॉ किया था, हल्का सा ब्लेंड किया था, वहीं से अब अपने जॉ लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। दोनों पे मेरा हो गया है। अब बारी आती है फोरहेड की, तो फोरहेड में मैं हल्का सा कॉन्टोर कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट अब बारी आती है नोज़ की, तो नोज़ के लिए यहाँ पे मैंने एक नया हैक देखा था, उसी को मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें मतलब दिखाया था कि पूरे नोज़ पे जो है वो ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर लेना है, उसके बाद देन बस हाइलाइटर को अपने ब्रिज ऑफ द नोज एंड टिप ऑफ द नोज पे अप्लाई करना है, तो मैं वही करूँगी। अब बारी आती है ब्लश की, तो ब्लश के लिए यहाँ पे मैंने मार्स का 5-in-1 वाला पैलेट लिया है, इसमें एक हाइलाइटर वाला भी शेड है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड अफोर्डेबल भी है, तो उसको मैं अपने यू नो चिकबोन पे लगा लूँगी अच्छी तरह से। अब थोड़ा सा चिन पे मैं अप्लाई करूँगी ब्लश को, और हल्का सा फोरहेड में, ताकि यू नो पिंकी पिंकी टाइप की थोड़ी सी फेस नज़र आए, ग्लो करे। अब बारी आती है थोड़ी सी आई को यू नो फिनिशिंग देने की, तो यहाँ पे मैंने लिया है ये पिंक कलर की शेड, जिसका इस पैलेट में नाम है डार्क ब्राउन, और इसको इनर कॉर्नर में थोड़ा सा लगाऊंगी, जहाँ हम लोग हाईलाइट करते हैं वहाँ आज मैं हाईलाइट नहीं करूँगी, वहाँ पर ये पिंक कलर की शेड अप्लाई करूँगी, ताकि और आई लुक जो है वो और उभर के आए और अच्छी तरह से पता चले इसलिए। और इसको मैं दोनों कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी। एंड ये जो कलर है गाइस, ये है एंजेलिक कलर, मतलब शिमरी पर्पल कलर, और इसको मैं लोअर आईलिड को स्मच करूँगी। जो लोअर आईलिड को स्मचिंग का हम लोग करते हैं वो मैंने नहीं किया था, बिकॉज फाउंडेशन वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो अब मैं फाइनली उसको स्मच करूँगी, और इस कलर से बहुत ही अच्छा आई लुक मतलब दिख रहा था होने के बाद। ये देखिए ये मेरा हो गया और कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई करूँगी लोअर लैशेस में, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्मशिंग की थी आई शेडो से, तो थोड़ा सा इस पे लैशेस पे कलर चढ़ गया था, इसीलिए थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं दोनों आईज़ पे। हाईलाइटर के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क मास्टर क्रोम मेटालिक हाईलाइटर इन द शेड मोल्डन गोल्ड, और ये हाईलाइटर बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, आप कोई सा भी लुक क्रिएट कर सकते हैं और इस हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हैं कोई भी स्किन टोन में, बहुत ही अच्छा लगता है, गोल्डन शेड है इसका इसीलिए। और मैं यहाँ पे चेक बोन पे अप्लाई करूँगी, देन मैं चिन पे अप्लाई करूँगी, और चिन पे अप्लाई करने के बाद फोरहेड में थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी, जिससे कि फोरहेड भी थोड़ा सा हाईलाइट लगे। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लिया है, इससे अपने ये जो ब्रो बोन है यहाँ पे अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से, दोनों आईज़ के ब्रो बोन पे अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से। और फिर बारी आती है नोज़ को हाईलाइट करने की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड टिप ऑफ द नोज़ पे थोड़ा सा हाईलाइटर को लगाऊंगी, और उसके बाद फिर फिंगर की मदद से हल्का सा स्मश कर लूँगी। तो ये मेरा हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा
हाइलाइटर अप्लाई हुआ है और क्यूपिड बो में भी मैंने अप्लाई कर लिया है एक छोटा सा ब्रश से। अब लिप लाइनर के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ADS प्रो फोटो फिनिश कलर क्रेयॉन मेकअप स्टिक, लिप्स विथ शार्पनर भी है इसके साथ, तो ये बहुत अच्छी मुझे लगती है एंड अफोर्डेबल भी है। ये मैंने जस्ट 20 or 30 रुपीज़ में परचेज़ किया था लोकल मार्केट से। तो ये मैं पहले बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लूँगी लिप्स में। और लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इनसाइड नॉन ट्रांसफ़र लिप कलर इन द शेड 02 रेड अलर्ट, और बहुत अच्छी रेड कलर की ब्यूटीफुल शेड है और इसे मैं अपने पूरे लिप्स में अप्लाई कर लूँगी। और इस लिपस्टिक की ये खासियत है कि ये वाटरप्रूफ है, स्मश प्रूफ है, लॉन्ग वियर है, मैट टेक्सचर है एंड ट्रू कलर है, और ये आपको जब मैं अप्लाई करूँगी उसके बाद ही देखने को पता चलेगा। और अफोर्डेबल भी है, जी हाँ, मैंने 80 रुपीज़ और 75 रुपीज़ में परचेज़ किया था अमेज़न से। देन फिर मैं एक और हैक ट्राई करूँगी यहाँ पे लिपस्टिक के ऊपर मैं आई शेडो थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे मैंने दो आई शेडो लिया है SFR पैलेट से, एक है पार्टी ओवर जो कि रेड शिमर की है और एक है फिंगर नाम से भी इस पैलेट में जो कि पर्पल शिमर है, और एंड इस दोनों को मैं यहाँ पे लोअर लिप्स में एंड अपर लिप्स में मिक्स करके अप्लाई करूँगी, एक तरफ रेड शिमर एंड मतलब एक तरफ पर्पल शिमर, एंड दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद देखिएगा कितना अच्छा कलर आ रहा है, मतलब एकदम शाइनिंग वाला लिप्स पूरा दिख रहा है, जो कि अगेन इस आई लुक के साथ बहुत ही अच्छा जा रहा था, तो इसीलिए मैंने ये वाला हैक ट्राई किया है। और यहाँ पे मैं एक बार और अपने लिप लाइनर से अपने लिप्स को जो है ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि आपने देखा कि मैंने जब शिमर आई शेडो अप्लाई किया थोड़ा सा मेरा बॉर्डर हल्का सा ख़राब हो गया था, निकल चुका था, तो इसीलिए कलर मैंने एक बार और बिल्डअप कर लिया। तो ये मेरा हो गया है लिप कलर अप्लाई करना, एंड अब आएगा फाइनल लुक जो जिसमें कि आप देखिएगा कि कैसा लग रहा है। तो ये है कुछ फाइनल लुक, लेकिन अभी मैंने इयररिंग नहीं डाला है गाइज, ये विदाउट इयररिंग वाला लुक है, और अब मैं मतलब इयररिंग डाल के आपके पास आऊँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। सो यस, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।